अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 12 बज रहे हैं। मैं अभी उठा हूँ और 3 बजे की हमारी टिकटें हैं, 3 बजे हम लोगों ने ट्रेन में बैठ जाना है। ठीक है, तो आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। आज जो है हम जा रहे हैं दाढ़ी मुछियाँ बहुत ही बढ़िया। नहीं, मैंने नहीं करवाना। नहीं दिल करता आप दाढ़ी मुछे कटाने का, दाढ़ी मुछे बाल बाल बस कुछ भी ना करा, बस आई फिर मंगने वाला बन जाए। गल च बड़े मंगने नहीं जेड़े होते, वो वाले पहन लो। गल च छित्रा दा हार पाला, अल्लाह माफी लवे। है ना, है क्या है नहीं? गलत बातें नहीं करो। अच्छा फिर क्या बातें करो? नहीं, ये बंदा ठीक नहीं है। नहीं, बहुत पापा ने काटी तो देखो, रेड नहीं हाथ खा सा बुगा। इधर देखो, नहीं तुम्हारा तो नहीं हुआ है मेरे को से कुछ। तो बस यही है कि तैयारी व्यारी कर रहे हैं और काफी मतलब के वो बिठी वो हो रही है अभी, अपसेट के मतलब के वापसी जाना पड़ेगा। नहीं, सब नहीं हो रहा, मैं अपने घर पे जा रही हूँ। हम खुशी खुशी आए, खुशी खुशी गए, जा रहे हैं आपकी दुआओं से है, तो मैंने अपसेट क्यों होना। सही बात है। हाँ, जब जाओगी फिर देखेंगे। ले जी, यहाँ पे ये जो बंदा है ये बच्चों को कूट रहा था। अब बोल, तू तो सॉरी कर रहा था। सॉरी कर रहे थे तो सही। सॉरी, ऐसे नहीं मुर्गा बन के। सॉरी, हाँ ये बात। अब सैम कुछ नहीं कहना। अब तू ये क्या, सॉरी। हाँ, तू तो डर के अपनी मम्मा के पीछे छुप गया था। अभी बना रही है हमारे लिए नाश्ता, क्योंकि नान छोले हम कम ही खाते हैं, चाय पराठा खाते हैं। है ना, गैस लेट आता है, इस वजह से हम लोगों ने वैसे नहीं, हम लोग लेट ही करते हैं, लेट ही 1-2 बजे नाश्ता करते हैं। हो गया नाश्ता, इन लोगों के लिए अलग से बन रहा है। थैंक यू जी। ठीक है, आज आखिरी दिन है हमारा यहाँ पे, फिर आप आइएगा। ठीक है, जरूर। हाँ, यहाँ पे रेडी है जी। हाँ, रेडी हो रही है। फटाफट जान बोला, टाइम बहुत कम लग गया, और ये बच्चे दोनों देख रहे हैं टीवी। नाश्ता लग चुका है, बंद करो जोया, बंद करो जोया, अभी फोन पे लग गई है। खा लो, खा लो बेटा, खा लो मेरी जान, मेरे प्यारे बच्चे, ले लो ले लो ले लो। तो नाश्ता लग गया, ये है बेटा हलीम, ओ निहारी। हाँ, आवाज तो बंद करो यार, जोया जोया भी फोन पे लग गई है। देखो आपके किस जोया थी, उसने अभी छीने। नाश्ते में है परांठे, कड़ी, रात को कड़ी, रात को समोनिया ने कड़ी बनाई थी, बहुत मजे की। कल समोनिया ने कड़ी अच्छी बनाई थी ना, अम्मी ने बनाई थी कड़ी, बहुत मजे की बनाई थी। बेटा नाश्ता कर लिया, क्या हुआ? हमने यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर लिया, बच्चों को भी रेडी शेडी मैंने कर लिया है। तो अभी मैं ऊपर जाके देखती हूँ कि मैं, क्योंकि मैं तो नीचे से पैकिंग वैकिंग नहीं कर रही थी, रात को बड़ा बैग तो मैंने रात को ही कर लिया था। चावल तो बना लिए। क्या बनाए? चावल बना लिए। और क्या बनाया? सब कुछ बना लिए। बस चावल, खुद ही तो बोलती चावल बनाए हैं। और मेरे बात छोड़ो सैमी, मेरे बात छोड़ो। तो मैं अभी ऊपर जाती हूँ, भाभी लोगों से मिलवाती हूँ। आप भाभी लोगों को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, खूब सारा प्यार देना, क्योंकि वो आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, हमें भी, उन्हें भी, सबको बहुत ज़रूरत है। तो आप सबकी हेल्प करना, थैंक यू सो मच। तो मैं जाने लगी ऊपर, तो ऊपर जाके मिलते हैं भाभी के आगे। भाई से मिलो, और क्या बोलते हैं, भाई बैठा हुआ यहाँ पे और अम्मी खाना खा रही। अम्मी का तो मैं लेके नहीं आ सकती क्योंकि अम्मी आती नहीं है। ये जा रहे हैं वापस कराची, तो इस बार तो आप लोगों ने यहाँ ये आए भी हैं तो हमें लाइक सपोर्ट नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, मैंने भी बोला अभी, तो इन्हें भाई को खूब सारा प्यार दे, भाई को भी दो और एमन लोग को भी दो खूब सारा। वो भी मेरी सिस्टर है, मेरा भाई है। ठीक है, ये छोटा है, वो बड़ी सिस्टर है। और यहाँ पे भाभी से मिलो, भाभी हमारे लिए खाना पैक कर रही है और जो टिफिन वगैरह भाभी वॉश कर रही हूँ, और खाने में भाभी क्या बनाया। तो यहाँ पे भाभी ने खाना चावल बनाए हैं, पुलाव बनाया ना भाभी, कौन सा बनाया है? चिकन पुलाव। हाँ, चिकन पुलाव। तो सालन में क्या बनाया? सालन में भाभी ने बहुत ही अच्छा सालन, देख रहे हैं कितनी प्यारी उसकी खुशबू आ रही है। क्या हुआ? और ये देखो, ये मेरा मुन्ना, ये मुन्ना हम लेने वाले हैं, छीनने वाले हैं भाइयों। क्या कहते हैं? ये मुन्ना हम इनसे छीनने वाले हैं। आपने एक बात की थी, सही है, उस बात के अगर खुदा ने चाहा तो ठीक है, नहीं तो फिर पक्का। हाँ।
तो चले चलते हैं, खाना वाना भी पैक कर रहे हैं। तो भाभी भाभी देख कूलर कटोरी, क्योंकि जिस दिन से हम आए ना भी जाना है। हाँ साथ में जाना, अम्मी भी जाएगी। अम्मी जाओगे ना साथ? हाँ अम्मी भी साथ जाएगी छोड़ने के लिए। क्या बोलते, मैं क्या कहने लगी थी, हाँ जब हम घर से आते हैं ना, है ना, तो हमें कोई भी छोड़ने नहीं आता और ना कोई लेने आता है। हाँ ये सच बात है। और हाँ वहाँ पे जब अभी आए थे मामू लोग हमें लेने के लिए आए, तो बारिश हो गई थी, ठीक है। तो इधर तो बिल्कुल पास होते, मुझे घर का पता होता, इसलिए हम खुद ही आ जाते। ये दूर नहीं होता क्योंकि ट्रेन हम पहले बुक करा आगे आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेन हमारी वहाँ पर आती है फैसलाबाद। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब हम कहीं बाहर तो मैंने नहीं की, इस दफ़ा मैं अम्मी लोगों के साथ ही मैंने टाइम दिया, जितना भी सारा ना वक्त इनके साथ ही गुजारा है। क्योंकि बाहर आप पता आते जाते तो घूमता तो बंदा रहता है। मैं वीडियो के लिए, हम बिल्कुल वीडियो के लिए नहीं आए, व्लॉग इसलिए बनाते जाहिर सी बात आप लोगों से शेयर करते हैं कि हम कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अपने अम्मी लोगों के पास नहीं जाती या ये लोग नहीं आते, और इसलिए इसलिए नहीं जाते, इनको डर लगता है, कहते ये दूर है। मैं जा रहा हूँ, अभी भाई आएगा तो अम्मी का भी हमने बोला कि अम्मी भी आएगी, ठीक है। तभी हम रेडी होते, खाना खाना पैक करते हैं, तो फिर मिलते हैं। जोया इंतजार कर रही है, कप पे बिठी बैठी हुई थी अब्बू के साथ। सलाम अब्बू, क्या हाल है? जिस दिन से आया अब्बू तो बाहर ही बैठा रहता, अब अंदर आता ही नहीं। रात को अब्बू सो जाता है तो फिर हम अब्बू को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो बाहर जा नहीं सकती, बाहर इतने लोग बैठे होते हैं। तो अभी मैंने बोला जाते जाते अब्बू आया, तो मैंने बोला अब्बू से मिल भी लेते और आप लोगों से भी। आज अब्बू हम लोग जा रहे हैं, आप आओ हमारे घर पे। मैं तो अभी कह रहा हूँ मुझे साथ ले जाओ, आ जाओ। तो अभी मैंने आपको रात नहीं बोला, मैंने बताया था उसको, मैंने राखी आपके साथ चला चलता हूँ। चलो ये गिले करती है, वो आप कोई आए नहीं तो नहीं आते ना, सच मैं नहीं आया क्यों नहीं, जो ये पिछले दिनों में हादसा हुआ है। तेरी अम्मी तैयार जी, 3 बजे की हमारी ट्रेन थी, 3:30 बजे की, लेकिन यहाँ की ट्रेनें लेट क्यों होती हैं? पता नहीं क्या मसला बनता है, तो कराची से भाई लेट। अच्छा हम जो है ना साल बाद आते जाते हैं 6 महीनों बाद, तो हम बोलते हैं, हमें ये बोलते हैं आज ट्रेन लेट पहुँच गई, ये नहीं बोलते हमेशा ही लेट होती है। हाँ अच्छा कितने बजे का ट्रेन है? 3:30 बजे, 3:30 बजे का टाइम है, लेकिन अभी लाहौर से चली है, हिसाब लगा लो कब पहुँचेगी। हाँ लोकेशन से बता रहा हूँ, वो आ रही है ना लोकेशन। तो चलें जी फाइनली हम लोग रेडी वेडी हो गए हैं, सब कुछ हो गया, टिकट के टाइम भी हो गया, और भाई जो है हमें स्टेशन पे छोड़ के नहीं आ रहा, क्योंकि भाई जो है सुस्ती पड़ी हुई है, क्योंकि और बहुत माशाल्लाह जा रहे हैं, वो छोड़ के आ रहे हैं, इसलिए भाई नहीं जा रहा, क्योंकि सबको मौका देना चाहिए, क्यों भाई? तो चलो भाभी चलें, ठीक है। ये खाना वाना भाभी ने बनाया, रेडी वेडी हो गया। चल जी हम लोग जो हैं रेडी वेडी हो गए हैं, स्टेशन पे पहुंच गए हैं, गाड़ी पहुंच रही है, और आज जो है सुमोनिया भी हमारे साथ आई हुई है, हैं क्यों? और अम्मी भी आई हुई है स्टेशन छोड़ने। अम्मी को ना लेना, नहीं नहीं हाँ तस्वीर हम लोगों को छोड़ने आया हुआ है। साढ़े 3 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे स्टेशन में, लेकिन गाड़ी नहीं आई, वही अपना रिवाज पूरा करके आएगी 3:30 बजे। बिट्टी जो है बैग्स भूल गई है, बैग्स मैं भूली, मैं जल्दबाजी में हो जाता है, हमने जान के नहीं दिलाए। क्या जान के नहीं दिलाए है ना यार, तू तौर पे नहीं भूले लेने गया, आ जा। वो तो पैंपर लेने गया है ना। अच्छा तो क्या भूली है? वैप्स। तो वो बिट्टी कह रही है अब क्या होगा बिट्टी, पता मैंने बोला एक पैंपर में पोटी करेंगे, दूसरे पैंपर से साफ करके फेंक देना ट्रेन से बाहर पटरियों पर। गाड़ी आ रही है बस 10-15 मिनट जी। भाई लोग भी आए हैं हम लोगों को छोड़ने, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी लोग वो खड़े हुए हैं ना, तो अब हम आपसे मिलेंगे अपना बहुत सारा। हाँ आसिफ सायरा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।